स्टूडेंट, वी आर प्रोवाइडिंग सेंट एंजल ऑनलाइन क्लासेस एज वी आर वर्किंग फ्रॉम होम। टुडे आई विल डिस्कस क्लास 11 केमिस्ट्री चैप्टर 5 स्टेट्स ऑफ मैटर एंड इन दिस वीडियो आई विल कंटिन्यू द इंटरमोलिकुलर फोर्स। इन लास्ट वीडियो ऑलरेडी आई हैव डिस्कस्ड इंटरमोलिकुलर फोर्स एंड क्लासिफिकेशन ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्स लाइक डिस्पर्सन फोर्स एंड लंडन फोर्स। And in this video, I will discuss here the dipole force and dipole induced dipole force. So let us start dipole force. देखो dipole force जो है क्या होता है, ये दो polar molecules के बीच में होता है जिसमें permanent dipole moment होता है। ऐसा molecule जिसमें क्या हो, permanent dipole moment हो। डायपोल मोमेंट तो आप जानते ही होंगे कि जिसमें क्या होता है, पोलैरिटी होता है, जिसमें चार्ज होता है उसको हम क्या कहते हैं, चार्ज, परमानेंट चार्ज होता है उसको हम क्या कहते हैं, डायपोल मोमेंट कहते हैं। तो अब आप देखो दीदी, दो पोलर मॉलिक्यूल्स को ले लें, एक दो ऐसा मॉलिक्यूल्स को लें जो क्या हो, पहले से ही उसमें पोलैरिटी हो। और कैसा पोलैरिटी, तो परमानेंट पोलैरिटी होनी चाहिए। जैसे सपोज करो कि हमने एटम एक ले लिया, यहाँ पर मॉलिक्यूल्स हमारे पास है, वो क्या है, ये परमानेंट डायपोल कंसिस्ट कर रहा है। परमानेंट डायपोल मोमेंट कंसिस्ट करने का मतलब है कि इस मॉलिक्यूल्स में जो इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन है वो क्या है, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है, अनसिमेट्रिकल है ये। और एक साइड में क्या है, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और वन साइड लेस है। तो इसके चलते क्या हो जाता है, पोलैरिटी डेवलप हो जाता है। तो जैसे हमने ले लिया यहाँ पर एक मॉलिक्यूल्स जो क्या है आपका, जैसे हमने HCl ले लिया, सपोज करो कि HCl, तो आप ये जानते हो कि हाइड्रोजन जो है वो लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव है और क्लोरीन क्या है, मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है। मीन्स क्लोरीन के अराउंड क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगा। तो जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस एरिया में ज़्यादा होगा तो इस पर क्या आएगा, डेल्टा नेगेटिव चार्ज, और इसके ऊपर क्या आ जाएगा, डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। और ये जो मॉलिक्यूल्स होगा इसको हम क्या कहेंगे, परमानेंट डायपोल। इस तरह के पोलैरिटी को हम क्या कहते हैं, परमानेंट डायपोल कहते हैं। डायपोल कहेंगे। तो अनदर मॉलिक्यूल्स हम जो ले रहे हैं वो भी क्या है, HCl ही है, HCl। तो यहाँ भी पोलैरिटी है, यहाँ डेल्टा नेगेटिव और यहाँ क्या है, डेल्टा पॉजिटिव चार्ज। तो दोनों के बीच में क्या होगा, यहाँ पर एक पार्शियल चार्ज है, यहाँ भी एक पार्शियल चार्ज है, लेकिन यहाँ जो पार्शियल चार्ज है वो क्या है, नेगेटिव चार्ज है, और यहाँ क्या है, पॉजिटिव पार्शियल चार्ज है। तो दोनों के बीच में एक इंटरैक्शन फोर्स डेवलप होगा। यहाँ पर क्या होगा, दोनों के बीच में एक इंटरैक्शन फोर्स डेवलप होगा, और इस इंटरैक्शन फोर्स को हम क्या कहेंगे, इसको कहेंगे हम डायपोल फोर्स। इस फोर्स को हम यहाँ क्या कह रहे हैं, डायपोल फोर्स कर है। तो डायपोल फोर्स को हम क्या डिफाइन कर सकते हैं कि डायपोल फोर्स ऑपरेट बिटवीन द मॉलिक्यूल्स हैविंग परमानेंट डायपोल। द डायपोल फोर्स कहाँ पर डेवलप होता है, तो बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स विच हैविंग द परमानेंट डायपोल, जिसमें परमानेंट डायपोल होगा उसके बीच में जो इंट्रैक्शन फोर्स होगा वो क्या कहलाएगा, डायपोल फोर्स कहलाएगा। तो ऐसे पोलर मॉलिक्यूल जिसमें क्या हो, परमानेंट डायपोल हो, वो सब आपका डायपोल फोर्स कंसिस्ट करता है। और ये जो फोर्स होता है ये ग्रेटर होता है देन द लंडन फोर्स और द डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल फोर्स से। जो डिस्पर्सन फोर्स होता है उसका मैग्नीट्यूड जो होता है, डायपोल फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होगा वो ग्रेटर होगा, किससे, जो आपका लंडन फोर्स था, डिस्पर्सन फोर्स था, और जो अभी हम आगे पढ़ेंगे डायपोल इंड्यूस डायपोल फोर्स। तो इस तरह का फोर्स को हम कहते हैं डायपोल फोर्स। अभी हम इसका स्ट्रेंथ देखें, स्ट्रेंथ ऑफ इंटरैक्शन फोर्स का स्ट्रेंथ भी देखें, स्ट्रेंथ ऑफ इंटर मॉलिकुलर फोर्स जो होता है ये क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R^3। मीन्स अधि आर जहाँ पर क्या है, ये है डिस्टेंस बिटवीन टू पोलर मॉलिक्यूल्स, बिटवीन टू पोलर
मॉलिक्यूल्स के बीच में। तो यहाँ पर देखें तो आर टू दी पावर क्या है, 3 है। मीन्स अधिक डिस्टेंस, दोनों के डिस्टेंस को, दोनों जो डायपोल फोर्स जो है, दो मॉलिक्यूल जो है उसके बीच के डिस्टेंस को यदि रेडियाई को हम क्या कर दें, डबल कर दें, तो डिस्टेंस यदि डबल करते हो तो स्ट्रेंथ कितना टाइम डिक्रीज कर जाएगा, तो आर टू दी पावर 3 टाइम जो है डिक्रीज कर जाता है स्ट्रेंथ यहाँ पर। सेकेंड हम देखते हैं इसमें, थर्ड जो है वो है डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल फोर्स जो ऑपरेट होता है वो किसके बीच में होता है, जब एक मॉलिक्यूल जो है वो क्या हो, पोलर हो, वन मॉलिक्यूल्स क्या हो, पोलर, एंड अनदर मॉलिक्यूल जो एडजेसेंट मॉलिक्यूल्स है वो क्या है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स है। ये क्या है आपका, पोलर मॉलिक्यूल्स, जिसमें परमानेंट डायपोल हो, पोलर मॉलिक्यूल्स। आप कह सकते हो कि इट हैज अ परमानेंट डायपोल, इसमें परमानेंट डायपोल हो, और जो अनदर मॉलिक्यूल्स है जो इसके एडजेसेंट मॉलिक्यूल्स है वो क्या है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स, पोलर मॉलिक्यूल्स मॉलिक्यूल। इसमें कोई डायपोल मोमेंट नहीं है, लेकिन रूल क्या कहता है कि यदि किसी पोलर मॉलिक्यूल्स के कांटेक्ट में नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स को यदि प्लेस कर दिया जाए तो इसमें भी क्या होता है, चार्ज डेवलप हो जाता है। मीन्स जो ये मॉलिक्यूल जो आपका नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स है, दैट मीन्स इसके जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो क्या है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, मीन्स इलेक्ट्रिकली ये क्या है, सिमेट्रिकल है। तो जैसे ये बॉडी क्या होगा, पोलर मॉलिक्यूल्स के कांटेक्ट में आएगा, जिसमें परमानेंटली क्या है, डेल्टा पॉजिटिव और डेल्टा नेगेटिव चार्ज डेवलप किया हुआ है, इसके कांटेक्ट में आते ही नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स में क्या हो जाएगा, एक इंड्यूस फोर्स यहाँ डेवलप हो जाएगा, इंड्यूस डायपोल मोमेंट क्या हो जाएगा, डेवलप हो जाएगा। तो यहाँ जो डेवलप होगा दैट इज कॉल्ड द इंड्यूस। यदि पोलर मॉलिक्यूल्स के कॉन्टैक्ट में नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स को यदि प्लेस किया जाए तो जो पोलर मॉलिक्यूल्स है उसमें परमानेंट डेल्टा पॉजिटिव और डेल्टा नेगेटिव होता है, तो ये पोलर है और ये क्या हो जाएगा, इंड्यूस्ड पोलर हो जाएगा, इसमें भी पोलैरिटी डेवलप हो जाएगा। तो जैसे ही इंड्यूस पोलर इस पर डेवलप होगा, मीन्स इस पर भी चार्ज यहाँ पर डेवलप हो जाएगा, और जो चार्ज होता है जैसे कि नेगेटिव चार्ज यहाँ डेवलप है तो ये इंड्यूस करेगा इसको, तो इस पर जो चार्ज होगा वो हमेशा अपोजिट चार्ज होगा, दैट मीन्स यहाँ पर क्या हो जाएगा, डेल्टा पॉजिटिव, एंड दिस एरिया विल डेवलप हियर द डेल्टा नेगेटिव चार्ज, एंड नाउ इट ऑपरेट द न्यू अट्रैक्शन फोर्स, एंड दिस अट्रैक्शन फोर्स इज कॉल्ड द डायपोल इंड्यूस डायपोल फोर्स। तो इसके बीच में जो फोर्स ऑपरेट हुआ वो क्या कहलाया आपका, तो डायपोल इंड्यूस डायपोल फोर्स कहेंगे इसको हम, डायपोल इंड्यूस डायपोल फोर्स। अब यदि स्ट्रेंथ की हम बात करें, डायपोल इंड्यूस डायपोल फोर्स के यदि स्ट्रेंथ को देखें, यदि हम स्ट्रेंथ ऑफ इंटर मॉलिकुलर फोर्स जो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r⁶ है, यहाँ पे जो किसके सिमिलर हो गया आपका, लंदन फोर्स और डिस्पर्सन फोर्स के बराबर हो गया। अब फैक्टर्स अफेक्टिंग, यदि हम देखें यहाँ पर डायपोल इंड्यूस डायपोल फोर्स का यदि फैक्टर देखें कि कौन कौन सा फैक्टर इसको अफेक्ट करता है, तो सिंपली यहाँ पर क्या होता है कि जो दो मॉलिक्यूल्स हैं जिसमें क्या है, पोलर मॉलिक्यूल जो है जिसमें परमानेंट डायपोल मोमेंट है, तो पोलैरिटी जितना ग्रेटर होगा, पोलर मॉलिक्यूल्स में पोलैरिटी डायपोल मोमेंट जितना ग्रेटर होगा, इंड्यूस फोर्स भी क्या होगा, उतना ही उसका स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। मीन्स यदि पहला फैक्टर देखें तो क्या होता है आपका, पोलैरिटी ऑफ पोलर मॉलिक्यूल्स
ये हो जाएगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल फोर्स का, मीन्स पोलैरिटी जितना ग्रेटर होगा पोलर मॉलिक्यूल्स में, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा उतना ही ग्रेटर इसमें लग जाएगा। मीन्स कम्प्लीटली ये डिपेंड करता है किसके ऊपर, पोलैरिटी के बीच ऊपर। मीन्स पोलैरिटी जो डायपोल दो मॉलिक्यूल्स है, एक पोलर है दूसरा क्या है नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स है, तो जो पोलर मॉलिक्यूल